2011 में जिसका आरोप लगा था, सदन में जो प्रेस नोट पढ़ी गई थी, नेता सदन अगर रखना चाहें आप, टेबल करना चाहें तो मैं क्यों पढ़ूं? आगे बढ़िए, पढ़ दीजिए, आगे बढ़िए। जो आरोप लगा कि 2011 में 46 में 56, तो ये मैं मानता हूं कि नेता सदन से स्लिप ऑफ टंग हुआ, 46 में 56 कुछ इस तरह का स्टेटमेंट था। अरे अध्यक्ष महोदय, वो वीडियो ऑनलाइन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो ऑनलाइन है, आज हम कुछ कहना चाहें वो नहीं हो सकता। नेता सदन जानते हैं, आपने दोबारा नेता सदन का भाषण नहीं पढ़ा, डांट पड़ेगी आपको घर जाकर के। उस स्लिप ऑफ टंग हो सकता हो गया हो। जो टोटल भर्ती एसडीएम की उस समय हुई थी वो 30 थी, जिसमें मात्र यादव एसडीएम 5 थे, जिसमें और बिरादरी के हैं मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, 1-7 थे और 3 थे, और पूरी सूची मेरे पास नहीं है लेकिन सरकार सूची जारी करे। 2012 में पीसीएस भर्ती में जो आरोप लगा वो यादव एसडीएम 4 थे, 2013 में 6 थे केवल, तो आखिरकार 2015 में 3 थे। मैं चाहूंगा कि नेता सदन और सरकार इस सूची को जारी करे। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, हाँ विशेषाधिकार तो बनेगा, सरकार जारी करे उस सूची को। इसीलिए हम सब लोग, और आपके हित में भी है, समाज के हित में भी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही संविधान का सपना है, यही डॉक्टर रामलाल लोहिया जी का सपना था, यही नेताजी का सपना था और संघर्ष था, और यही सबका साथ सबका विकास है, यही राम राज्य, यही समाजवाद है कि जाति जनगणना होनी चाहिए।